ऑपरेशन हो चुका, 4 लाख रुपए का खर्चा हो गया इनका पैर। जब आए थे इनके पैरों में ताकत नहीं थी, पूरे पैर ऐसे सूज गए थे अंकल के। तो मतलब फॉरेन कंट्री में 10-15-35 साल काम कर रहे हुए आदमी है, आज इनका कोई भी नहीं है समझो, 4 साल से करिए कोई भी नहीं। जमा नमाज क्यों नहीं देते? हाँ, जाए नमाज क्यों नहीं देते? दे उनको जाए नमाज, बोली मैंने, मैं जाए नमाज दूंगी। और कैसे तबीयत वगैरह? और जुबैर भाई कैसी तबीयत? और अंकल और कुछ बोलना चाहेंगे तुम? देखो बच्ची इंटरव्यू लेने के लिए आई। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। कैसे रह रहे? कुछ ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तबीयत 2 दिन से कुछ गड़बड़ है, खाने को नहीं, खाने को कुछ ठंडे से ना, खाने को कुछ जमता ही नहीं। कल परसों खीर खा लिया था तो उल्टी हो गया रात को, तब से अब कुछ खाने को अंदर कर लो तो सब बाहर ही आ जाता। हाँ, वो क्लाइमेट भी है ना, कफ वगैरह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और शेट्टी अंकल ठीक हो? और कैसे हो? नमाज पढ़ रहा। वाले वसलाम। और चाचा कैसे? अच्छी दुआ है आपकी। तुम्हारी दुआ है, आपकी दुआ होनी चाहिए मेरे को। अच्छा है क्या? है ना, हमको नहीं, बच्ची भी देखो तुम्हारे लिए इतना टाइम निकाल कर आई है। अच्छा, है ना, है ना, दुआ करना चाहिए ना सबके लिए। हाँ। और अकील अंकल वो तो बाबा राजा है यहाँ के। क्या करें, आधे से ज्यादा लोगों की जैसे मेंटेलिटी जैसे एक एज होने के बाद काफ़ी कम हो जाती है। जैन सेक्शन में ज़्यादा एजेड है, इनको अपने आप को भी बोलते हैं ना एडजस्टमेंट करना भी। देखो ये हमारे अंकल ज़िंदगी में बहुत कुछ किए होंगे, काफ़ी चलने की तकलीफ़ें हैं, जैसे कि बेड पर ही काफ़ी चीज़ें यूनियन की प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी नहीं। अभी वो चाचा इतने अच्छे सलाम, काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जेंट्स में भी। अभी 2-3 ऐसे अंकल थे हमारे यहाँ पे, वो बेड पे से ना उठ पाते थे, कुछ नहीं, पूरी चीज़ें बेड पे होती थी उनका। अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ अंकल लोग का। तो ऐसा मसला है कि ऐसे लोगों को संभालने के लिए काफ़ी केयर भी होना पड़ता है, काफ़ी अखराजात लगते हैं। तो वो चीज़ें हैं बहुत सी कि हम किसी के घर पे जाके कहीं से हम मांग नहीं सकते हैं। देखिए आकर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं यार इसके लेके हमें भी छोटी सी एक पहल करनी चाहिए खिदमत करने के लिए। तो बेशक छोटी छोटी इमदाद से हम यहाँ तक आए, और थोड़ी इमदाद करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं? इंशाल्लाह, है ना, जल्द जरूर बढ़ेंगे, कोशिश करना हमारा काम है बेशक इंशाल्लाह ताला। हम ये चाहेंगे कि काफ़ी आप सभी लोगों का साथ रहेगा, और हमें भी लगता है कि छोटी छोटी मदद से हमने यहाँ तक आए हैं, और छोटी छोटी मदद से हम आज 10 साल से 12 साल से रेंट पे हैं। एक दिन कायनात खुद एक अपना ओल्ड एज होम, जो आज लोगों को हमें तकलीफ़ें हो रही है, हम खुद तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करना चाहे तो हम वो पैसा वेस्ट ऑफ मनी होगा। हम ये सोचते हैं कोई करना भी चाहे तो हम उनको करने से मना करेंगे, क्यों कि ये किसी और की जगह 2 साल के बाद खाली करना है तो वो अपने को करना पड़ेगा, ये सोचना है। क्योंकि हम जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बनाएंगे अब ये खाली करेंगे तो वो ऐसी रहेगी ना यहाँ पर, ये मसला है। इंशाल्लाह ताला जो भी हो आपकी छोटी छोटी मदद से ही इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी इतना कीमती वक्त निकाल के बेटा यहाँ पर आए, और तुमने ये काम को हमारे दिखाना चाहा लोगों के सामने। सभी से एक ही अपील है कि आप सब लोग दुआ में हमें याद रखिए, दुआ नहीं है तो एक दूसरे को फॉरवर्ड करिए, फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो दुआ में तो बेशक याद करिए कि अल्लाह हमें असबाब पैदा करे। अल्लाह अच्छा रखे। सो गाइस से भाई अभी कुछ बोलेंगे जरूर। हाँ, कुछ बोलेंगे जी। सिद्रा, चलो अंदर। सिद्रा जी चलो अंदर। क्या नाम है? सिद्रतुल मुंतहा जी। आ चलो अंदर। एक जोड़ी कपड़े के अंदर ऐसी पैंट और शर्ट यूज किया हुआ, मैं वही है मेरे पास। कितने जोड़ी कपड़े? झूठ बोलते हो। कितने? माशाल्लाह। नमाज पढ़े क्या? जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही जोड़ी कपड़ा है इनका? अभी सब कपड़े खराब हो जाते हैं, 4-5 जोड़ी है तो वो कपड़ा कपड़ा नहीं है। नहीं, वो वॉशिंग में जाए तो भी अटक जाए। अच्छा अटक। वाह रे वाह, पूरी इंग्लिश तो इन्हीं को आती, साला अपने को कुछ नहीं आता। देखिए कितने खुश होते हैं। हाँ ना, शक्ति पढ़ के स्कूल छोड़ दिया,
छठी पढ़ के स्कूल छोड़ दे, फिर सऊदी दुबई कतर कभी गए थे? ये तो जाते रहते रात को, आँख खोल दी तो आते जाते वापस ना। हाँ वापस आ जाते, छठी पास छोड़ दिए आ गए, फिर उसके बाद में देखे सऊदी में कई साल थे ना? सऊदी में कितने साल थे? सऊदी में था और MBBS भी था, मेंबर ऑफ बेकार भटकन सोसाइटी, उसका चेयरमैन था। ये अभी जैसे कि ज़्यादातर वो मेंटली थोड़ा डिप्रेशन टाइप के हो चुके हैं, काफ़ी इनको माइंड रात भर भी हमारे बाकी ये दोनों ये किसी ना किसी इनको तो कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं, इनका और उनका ज़्यादा। रात को जाकर इनकी बिस्तर खींच देगा तो ये ऐसे लड़ते हैं, लोगों को ऐसा लगता है लोग जो है बता रही हूँ मैं, मगर ये लोग नहीं समझते कि एक एज होने के बाद इन्हें बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है, कभी गुस्सा भी करना पड़ता है, कभी इनके साथ में प्यार भी करना पड़ता है। एक एज, एक ये ऐसी एज है कि इसके अंदर बहुत टेंशन हो जाती है। एक वो रहता है ना, बोलते जवानी कभी वापस नहीं आती, लेकिन बुढ़ापे में एक बचपन वापस आता है। ये वही हाल है हमारे, बहुत ज्यादा चहेते भी हैं मगर सबको इन्हीं को चिल्लाते, फिर रात भर किसी को सोने नहीं देते। अच्छा। और दिन में भी यही हाल है, अभी सब खत्म किए। हो हो, मैंने तो कल कैमरे में देखी तुम कितने बजे सोए थे। आमीन 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 आमीन। जिसने दुश्मन है सबका बेड़ा गर्क। आमीन सुम आमीन। दुआ में तासीर भर है माशाल्लाह। ये काफ़ी सेक्शन हम लोगों ने बाद में बनाए थे, ये जो बंगलो जो ले हमारा रेंट पे, ये खाली जितना लेडीज सेक्शन है ना उतना ही सेक्शन बना हुआ था। अच्छा। बाकी का हमारे फ्रेंड सर्कल जो हमें काफ़ी कॉपरेट करते उन लोगों की बदौलत हमने और जॉइंट सेक्शन बनाए, फिर माशाल्लाह ये सब चीज़ें बनाए। अच्छा। गार्डन को भी थोड़ा सा पूरा निकाल कर हमने बैठने वगैरह की जगह बनाए, तो भी हम यही चाहते हैं कि मदद से ही कुछ चीज़ें बन सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोग हैं, हमारा यही अपील है कि मदद करेंगे तो हम और इसको अच्छे से अच्छा बेहतर करने की कोशिश हम भी कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर आप लोग का इतना कीमती वक्त देकर आने के लिए। बस मेरे हाथ में दुआ करना। नहीं नहीं बेशक बेटा, अल्लाह बेहतर, जब हम नियत नेकी की करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए खुद ब खुद असबाब पैदा कर देते हैं। तो गाइस आप ज़रूर यहाँ पर जैसे कि ज़ायरा आंटी ने बताया कि आप खुद अपना दिल को मुतमईन करके यहाँ आके देखो, वीडियो भी हमने बनाए इसमें जैसा पूरा ओल्ड एज होम आपको दिखाए, तो आप खुद अपना दिल मुतमईन करके यहाँ आओ, आप वीडियो भी देखो और भी लोगों को शेयर करो, और जितना हो सकता है जैसे ये दादी वो दादा लोगों के लिए ताउन करो रमज़ान में, इनके आप लोग सदका करते हो तो जितना हो सके आप इन इधर भेजिए, हम आपको अपील करते हैं, प्लीज़ आपसे गुजारिश करती हूँ, तो आप प्लीज़ हेल्प करना। तो गाइस आप प्लीज़ आपसे मैं इधर आती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ, मैं विज़िट करती हूँ, तो मुझे वो दीदी का तो है ही बेशक, लेकिन आप जैसे मैं ज़ायरा आंटी को देखती हूँ कि मैं जितनी बार यहाँ आई हूँ जिस तरीके से वो ये ओल्ड एज होम को चलाते हैं, जिस उससे ये उनकी हिम्मत है कि वो बेशक अल्लाह उनका जरिया बन रहा है, उन्होंने इतना अच्छी चीज़ को चीज़ सोचे कि मैं ये चीज़ कर सकूँ, एक दुआ का जरिया, एक इंसानियत के हिसाब से यहाँ कोई धर्म का कुछ नहीं, यहाँ सब है, तो आप भी इनके हक में इनके लिए ताउन करो और जैसा हो सके आप भी एक बार विजिट करो, एक इनके लिए इनको देखो कि ये भी अपने माँ बाप की जगह रख के अपना माँ बाप समझ के इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। आपसे यही मेरी इल्तिजा है, यही आपसे मेरी दरख्वास्त है, मुझे इतना यकीन है कि आप मेरी दरख्वास्त को नहीं रद्द करेंगे, तो मेरी बात जितने लोगों तक पहुँच रही है प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि ज़रूर इनके लिए मदद कीजिए। तो गाइस अभी मैं इस ओल्ड एज होम से जा रही हूँ,
तो प्लीज़ 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 आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर इनके लिए मदद कीजिए, ताउन कीजिए। मैं पूरी डिटेल्स डाल दूँगी, मैं पूरी डिटेल्स आंटी की, सारा आंटी की सब डाल दूँगी। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि मैं, मेरी कोशिश थी आप लोगों से शेयर करने की, क्योंकि मैं ऐसा चाह रही थी कि मेरे इतने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक मदद आप इस जगह, इस ओल्ड एज होम में, ये दादा दादी इधर है, इनकी देख रेख जो ज़ाहरा आंटी कर रहे हैं, उनके लिए प्लीज़ आप जो हो सके आप अपने हिसाब से, रमज़ान आ रहा है, इतना बरकत वाला महीना, उस महीने के हिस्से आप यहाँ ताउन कीजिए, जो आपकी हस्बैंड हैसियत है यहाँ आके आपको देखना है, यहाँ भी आइए। ज़ाहरा आंटी का ऑफिस है मीरा रोड में, उस वो भी एड्रेस मैं डाल दूँगी, तो वहाँ भी आप विज़िट करके, उनसे मिल के बात करके, आपको जैसा जो हो सके आप उनके लिए मदद कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर, दुआओं में याद रखना, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।